हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, ठीक। तो देखो, वायर से जुड़ी हुई एक बात हमको ढंग से समझ में आ गई थी। क्या समझ में आ गई थी? सुनना ध्यान से कि मान लो मेरे पास एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, ठीक। और आपको किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, ठीक। किसी पॉइंट पी पर क्या लिखनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो सबसे पहले पॉइंट पी पर उससे वायर पे क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं। मान लो वो परपेंडिकुलर कितना है? आर, ठीक। हमको ये भी समझ में आ गया कि हम पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट लिखते हैं, ठीक। एक वायर के पैरेलल और एक वायर के परपेंडिकुलर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बिल्कुल ऐसे बनेगा, ठीक। समझ में आया? गुड। और बड़े वाले हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट डोमिनेट करेगा, तो बड़े वाले हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अवे फ्रॉम वायर, ऐसे, ठीक। समझ में क्लियर है? नहीं है तो, और इसके फॉर्मूला भी हमको क्लियर था। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला होता था, याद करो, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। अच्छा, साइन थीटा टू और थीटा वन क्या है? वायर पे डाला गया परपेंडिकुलर, एक एंड के साथ जो एंगल बनाए बड़े एंड के साथ वो थीटा वन, छोटे एंड के साथ जो एंगल बनाए वो थीटा, ठीक। समझ आए? कि के लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में साइन थीटा टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो वो होता था के माइनस के साइन थीटा वन माइनस, क्या कह रहे हैं, माइनस कहाँ पे माइनस साइन, अरे नहीं, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा है, ठीक है। डायरेक्शन वाइज अभी लिख दूंगा, कोई दिक्कत, ठीक है। समझ रहे हैं? ऊपर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ ये और आगे क्या लिख देंगे, आई के, ठीक है, ठीक। ऐसे इसमें जो पैरेलल कंपोनेंट नीचे की तरफ है, तो जब अगर साइन से लिखना होता है तो वेक्टर साइन लगा देता हूँ, तो माइनस के लगता है इस पर्टिकुलर केस में आगे कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा। अब एक बात जो तुम्हें याद भी रखनी है और नोटिस कि यहाँ पर दोनों एंगल नेगेटिव सेंस में बन रहे हैं, यहाँ पर दोनों एंगल कैसे, सॉरी अपोजिट सेंस में बन रहे हैं, यहाँ पर दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, अपोजिट सेंस में बन रहे हैं। तो सोचो कि अगर दोनों एंगल अपोजिट सेंस में बन रहे हैं, ठीक, तो जब मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था तो एक एंगल को पॉजिटिव लिखा था और दूसरे को नेगेटिव, ठीक। समझ में? और जब मैं फाइनल फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, मान लो तुम्हें सीधा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। तो तुम देखो फॉर्मूले में, अगर दोनों एंगल क्या है, पॉजिटिव, दोनों एंगल क्या है, पॉजिटिव, है ना, ठीक। तो वही सिंपल भी बता, सोचो अगर ये एंगल 60 होता, ये 30 होता, तो मैं यहाँ क्या रहता, साइन 60 प्लस साइन 30, यहाँ क्या रहता, कॉस 30 माइनस कॉस 60, ठीक। यानी कि अगर दोनों एंगल अपोजिट सेंस में बन रहे हैं, ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूले में तो फॉर क्या पुट करेंगे, दोनों एंगल को पॉजिटिव साइन से पुट करेंगे, एंगल ये माइनस साइन को रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन कई बार होता क्या है ना कि ऐसी सिचुएशन होती है जब दोनों एंगल, अच्छा इस पे भी एक फॉर्मल सवाल लगवा चुका हूं ना, ठीक। कई बार हमारे सामने देखो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि मुझे वायर दिया होता है, समझ में, मेरे को बोला गया कि यहां कहीं फील्ड होगा, ठीक है। समझ में? मेरे को क्या बोला गया, यहां कहीं फील्ड बताओ, ठीक। समझ में? तो तुम खुद ही सोचो कि हमको क्या करना पड़ेगा, वायर पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर डालना तो वायर को क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा, ठीक। तो इस तरह के केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं, इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक। समझ में? बता दें,
जैसे मान लो ये भाया है, ठीक, मेरे को बोला गया भाई साहब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, तो सबसे पहला काम क्या करना है पिछली बार की तरह वायर के बारे में देखो, तो परपेंडिकुलर लगाने के लिए मैं वायर को क्या कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक, और परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये परपेंडिकुलर मान लो क्या है, तो वायर पर डाला गया परपेंडिकुलर एक एंड के साथ जो एंगल बनाए वो थीटा वन और दूसरे एंड के साथ जो एंगल बनाए वो थीटा टू, बड़ा एंगल क्या लिखा जाता है थीटा वन, छोटा एंगल क्या लिखा जाता है थीटा टू, ठीक, समझ में, ठीक। चलो अब बहुत लॉजिकली बात करते हैं, फाइनल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक, फाइनल फॉर्मूले में क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है। वैसे तो मैं ट्रिक से रटवा सकता हूँ, रटने से ज्यादा इस बात को थोड़ा सा फील करो अच्छे से, ठीक। और अब फाइनल फॉर्मूला क्या करते हैं, पर फॉर्मूले के साथ में सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम वायर और एक कौन सा पैरेलल वायर, ठीक। डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, समझ। अच्छा एक बात बताओ, जब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो दोनों एंगल सेम सेंस में बन रहे थे या अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस, दोनों एंगल अपोजिट सेंस में बन रहे थे, ठीक। तो यहाँ पर भी हम अपोजिट सेंस में एंगल लेने की कोशिश करते हैं, तो चलो एक एंगल तो ऊपर बन गया थीटा वन, दूसरे एंगल की बात करते हैं तो उल्टा जाना पड़ेगा, चलो उल्टा जाते हैं, उल्टा गए 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 उल्टा जाएंगे तो ऐसे ही है ना, ठीक। इस एंड तक पहुंचने के लिए जब उल्टा जाएंगे तो ऐसे ही है, ठीक। तो ये जो मैंने एक्सटीरियर एंगल ऐसे बनाया है, ये एंगल कितना है 360 माइनस थीटा 2, भाई एक एंड तो थीटा 1, भाई रूल क्या कहता है सुनना, दूसरे एंड की बात करते हैं, ठीक है। देखो वायर पे डाला गया परपेंडिकुलर एक एंड के साथ जो बनाए वो थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, और दूसरे एंड के साथ जो एंगल बनाए वो थीटा 2, तो दूसरे एंड के लिए मेरे को उल्टा गया, तो उल्टा गया 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 ऐसे ही होगा उल्टा, ठीक, समझ में। तो दूसरा एंगल अगर अपोजिट सेंस में हो तो ऐसे ही मिलेगा, कौन सा एंगल है ये एंगल कौन सा है, अब सोचो अगर ये छोटा एंगल थीटा 2 हो तो बड़ा एंगल कितना होगा 180 माइनस 3 तो 60 माइनस थीटा 2 ये राइट हैंड साइड पे है पॉजिटिव साइन से लिखा जाएगा, तो प्लस के मतलब प्लस साइन से के लैम्डा बाय आर ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 2 यानी 360 माइनस थीटा 2 इस पर्टिकुलर केस में, ठीक, समझ में। अच्छा 360 माइनस थीटा 2 क्या लिख सकते हो, साइन 360 माइनस थीटा इज, अरे साइन 360 माइनस थीटा एक्स माइनस साइन थीटा, अरे 360 माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में होगा, चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, वो क्यों होती है यार, प्लस टू में आ गया, ठीक, भूल गए यार, अरे ऐसे कोई नहीं, तुम भूल गए थे, भूल सकते हैं ना, लेकिन तुम खुद ही सोचो 360 माइनस थीटा तो चौथा क्वाड्रेंट है ना, प्लस थीटा होता तो ऊपर होते, ये सारे क्वेश्चन यार कैसे यार, मतलब एग्जाम वगैरह निकालो दे, ठीक, आगे क्या लिखें, आई क्या, ठीक, मतलब ये इस स्टेज पे ये थोड़ी क्लास 11 का कोई बच्चा जब से इस तरीके से बोले तो समझ में आता है, ठीक। ये हो गया कितना, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर ब्रैकेट में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, समझ आ गया, फॉर्मूला बना के चलते हैं आप, ठीक, समझ आ, जब इस वाले के केस में देखो e का पैरेलल कंपोनेंट भाई क्या लिखेंगे हम, k लैम्डा बाय r, ठीक,
ठीक सर, एक एंगल है हमारा थीटा और दूसरा है थीटा टू। थीटा टू की जगह क्या लिखते हैं 360 माइनस थीटा टू, तो कॉस जल्दी 360 माइनस थीटा टू माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक ये लिखा जाएगा ना माइनस कॉस थीटा, ठीक उस पर तो दिक्कत ही नहीं। 360 माइनस कॉस 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक चौथे क्वार्टर में तो बेचारा बोलते भी, तो ये हो गया माइनस के लैम्डा में ब्रैकेट में कॉस थीटा आगे टू माइनस कॉस थीटा, ठीक समझ में। साइन अपने मन से देखो, साइन याद है दो अपने मन से नीचे की तरफ है, तो माइनस साइन से आगे क्या जे दिया, माइनस साइन से आगे क्या जे दिया, ई का पार्ट हो गया, ठीक हो गया ठीक। अच्छा मैं क्या कहता हूँ बच्चों को सीधा से कि जब दोनों एंगल ये मिला तो जब दोनों एंगल सेम सेंस में हो, जब दोनों एंगल क्या बने सेम सेंस में, तो एक ही फॉर्मूला है आपको जो पहले वाला था, ठीक समझ में आया। उसमें क्या करो जो छोटा वाला एंगल है उसको माइनस साइन से लेते हो, छोटे वाले को यानी इसको थीटा टू, छोटा थीटा टू है ना, छोटा वन है थीटा टू, ठीक समझ में। तो थीटा टू को किस साइन से लेते हो माइनस साइन से, यही फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला क्या होता है के लैम्डा बाय आर साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन, यही होता है ना साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन, साइन थीटा वन और साइन थीटा टू को क्या लिखना है माइनस साइन, यही आ गया, यही आ गया ना। चलो यहाँ पर देख लो थीटा टू को किस साइन से लिखना है माइनस साइन से, तो फॉर्मूला क्या होता है के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, अब थीटा टू को किस साइन से लिखना है माइनस साइन से, यही आ गया ठीक। तो रटो कैसे फॉर्मूला, अगर दोनों एंगल अपोजिट सेंस में बने तो फाइनल फॉर्मूले में एंगल को पॉजिटिव साइन से लिखना है, और अगर सेम सेंस में बने तो फाइनल फॉर्मूले में छोटे वाले एंगल को नेगेटिव साइन से लिखना है, खत्म। ठीक है समझ में आ रही बात आपको, एक बार छाप लें सारी बातें लिख लें जो मैंने एडिशनल बात बताई है वो भी लिख लें। कैसे आया है पूरी कहानी समझ में, उतार लें पूरी कहानी खुद से लिखें। थोड़ा सा सवाल लेते हैं क्लैरिटी आ जाएगी। चलो आगे बढ़ो, चलो क्वेश्चन करते हैं आपको क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए मान लो एक वायर है,
यूजुअल लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी लैम्डा। ठीक, यहाँ से ये दूरी नाम कर दे, पाँच मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी। ठीक, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, करीब में होते हैं। ठीक है, समझ में, यानी कि जिस
पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हैं उसकी दूरी वायर की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होगी। जैसे मान लिया कह दो कि वायर एल मीटर का है, ठीक, और आप यहाँ से कहाँ हैं, आर दूरी पर हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये वायर लॉन्ग इनफाइनाइट तब मानेंगे जब एल की वैल्यू भयंकर ज्यादा हो किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। जैसे मान लिया वायर एक मीटर लंबा है, ठीक, वायर कितना मीटर लंबा है, एक मीटर, और आप वहाँ से एक मिलीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो एक मीटर के कंपैरिजन में एक मिलीमीटर बहुत छोटा है, भाई हजार गुना छोटा है, ठीक है, समझ में। तो इस तरह के केसेस में जब आप किसी वायर की लेंथ के कंपैरिजन में, आप किसी वायर की लेंथ के कंपैरिजन में, ठीक है, समझ में, बात किसी ऐसे पॉइंट पर फील्ड निकालते हैं जो उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम दूरी पर है, ठीक, तो उस केस में हम वायर को क्या मानते हैं, लॉन्ग इनफाइनाइट मानते हैं। एडिंग डालते हैं एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट वायर्स, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट वायर्स, ठीक। अच्छा, ये इस बारे में आपको कोई भी केस दे दूंगा, आप कर लेंगे ना, कल मैं बोल दूँ कि वायर अंदर क्या रखा हुआ है, ठीक है, समझ में हो जाएगा ना, ठीक। आपको हर बार क्या करना है, वायर के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, ठीक, समझ में। अगर पॉइंट सामने है तो सीधा परपेंडिकुलर डालो, अगर पॉइंट यहाँ पे है तो वायर को क्या करो, एक्सटेंड करो, फिर परपेंडिकुलर डालो, ठीक, समझ में। चलिए, हाँ, लिख लिया आपने बात, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लें, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर असल में लॉन्ग इनफाइनाइट वायर असल में लॉन्ग इनफाइनाइट नहीं होता, और हम उसके बहुत करीब होकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, समझ में, और उससे बहुत करीब होकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, ठीक, समझ में, ठीक, चलो ना, चलो तो देख लेते हैं सर, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर कैसे सवाल आपसे पूछते हैं, ठीक। बहुत कॉमन आपको बोल रही है अनंत लंबा तार, ठीक, समझ में, एज यूजुअल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक, ठीक, चार्ज सेंसिटिव। आप उसके सेंटर में से किसी दूरी आर पर एक पॉइंट है पी, आर के वैल्यू एज यूजुअल लेंथ ऑफ वायर से बहुत कम, जल के कंपैरिजन में आर बहुत छोटा होगा, तो ही लॉन्ग इनफाइनाइट वायर होगा, तो पहले भी बहुत बेसिक वायर पर डाला गया परपेंडिकुलर, एक एंड के साथ जो एंगल बना है वो थीटा वन, और दूसरे एंड के साथ जो एंगल बना है वो थीटा टू। सोचो एंड तो बहुत दूर है ना, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, फिर वो मिलेगा ही, ठीक, तो यहाँ पर थीटा वन कितना है, 90 डिग्री, थीटा टू कितना है, 90, ठीक। अब क्या फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो सबसे पहले ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे जल्दी जल्दी, ई परपेंडिकुलर क्या लिखा जाएगा, के लैम्डा बाय आर, आगे साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, दैट इज साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, है ना, भाई 90 90 कितना, भाई साइन 90 1 1 1 प्लस 1 2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 2 के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक, समझ में, कौन सा कंपोनेंट मिला, परपेंडिकुलर, ठीक। तुम पैरेलल में देखो तो क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस cos 90 कट के जीरो, कट के, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं होगी, ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो, लॉजिकली भी है, ठीक। तुम खुद ही सोचो वायर के दोनों तरफ का हिस्सा क्या है, सिमेट्रिक है ना, तो अगर ये हिस्सा जितना कॉन्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ देगा, ये हिस्सा उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन
हाइड्रोजन ऊपर की तरफ देगा, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक, तुम खुद ही सोचो, मान लो इनफाइनाइट नहीं, सोचो फाइनाइट साइज का वायर कैसा वायर होता, फाइनाइट साइज का वायर होता। ठीक, बिल्कुल सेंटर में तुम होते हैं तो क्या ये दोनों एंगल सेम बनते हैं? दोनों एंगल कैसे बनते हैं? सेम। तो सोचो अगर एंगल सेम बनते तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो, कारण क्या होता, इस हिस्से की इतनी फील्ड नीचे बनती, इस हिस्से की इतनी फील्ड ऊपर। ठीक, समझ रहे हैं? चलो पहला मिक्स छाप में लो, अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आगे बढ़ते हैं ऐसे। चलो अब हम बात करते हैं, मान लो कि जो पॉइंट है वो वायर के एक एंड पे, वायर के क्या हुए एंड। ठीक, आप समझे मैं कैसे बनाता हूँ। मान लिया ये वायर है, ठीक समझ में। ठीक, या चलो एक काम करते हैं, इसके दो वर्जन कर लेते हैं। ये वायर है पॉजिटिवली चार्ज, अब बिल्कुल एंड में नहीं है, एंड से थोड़ा सा अंदर, आप एंड से थोड़ा सा कहाँ है अंदर। ठीक, मेरे को बोला कि ऐसा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तुमने बोला सर देखिए आसान, ये हो गया आप एक एंड पे परपेंडिकुलर डालो थीटा और दूसरा एंड तो बहुत दूर होगा, दूसरा एंड तो बहुत दूर होगा, तो दूसरा एंड में कितना बन गया है नाइन। ठीक, समझ रहे हैं? तो तुम खुद ही देखो यहाँ पर थीटा में बड़ा एंगल कितना 90 और थीटा 2 कितना, अरे थीटा 2 कितना, थीटा 2 कितना, थीटा थीटा 2 कितना थीटा है ना। चलो फील्ड बोल दो भाई, सबसे पहले फील्ड वायर की वजह से एक फील्ड बनेगी ऐसे, ये कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, पैरेलल किधर बनेगा भाई, बड़े वाले हिस्से का कंट्रीब्यूशन, बड़े वाले हिस्से का कंट्रीब्यूशन इस तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल। ठीक, चलो सबसे पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखना, ये परपेंडिकुलर है के हां के लैम्डा बाय आर आगे sin थीटा 2 दैट इज sin 90 प्लस sin थीटा 1 मतलब sin थीटा सॉरी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 दैट इज sin 90 प्लस sin थीटा, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। ठीक, नीचे की तरफ है तो माइनस साइन से जे है। ठीक, चलो दूसरा कंपोनेंट बोलो, ए का पैरेलल कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, के लैम्डा बाई आर आगे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 है ना, तो कॉस थीटा 2 यानी कि कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 यानी कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो केवल क्या बचा ये ही बचा, आगे क्या लिख देंगे हम यहाँ पे बाई आर। ठीक, समझ रहे, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो सीधा सीधा क्या है के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा, आगे
चलो ऐसे सोचो, मान लो हम वायर के बिल्कुल एंड पे, वायर के कहाँ, वायर के कहाँ, बिल्कुल एंड पे, दूरी कितनी, हाँ हाँ ठीक। चलो तुमको भी सोचो, अब एक एंड तो बहुत दूर होगा, ठीक है, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है 90, और दूसरे एंड के लिए वहीं पर लाइन चल जाएगी, तो एंगल कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पर थीटा में बड़ा एंगल 90 और थीटा एंगल कितना, जीरो। थीटा को कितना, जीरो। कंपोनेंट की बात करें तो एक कंपोनेंट तो क्लियरली दिख रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और बड़े वाले हिस्से का कॉन्ट्रीब्यूशन इधर की तरफ, कौन सा कंपोनेंट, ठीक। चलो परपेंडिकुलर यहीं पर क्या लिखा जाता है, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, वही डेटा साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 प्लस साइन 0, यानी सीधा सीधा के लैम्डा बाई आर। अगर डायरेक्शन के साथ बात करें तो ये नीचे की तरफ दिख रहा है, तो माइनस जे ए, माइनस जे ए, ठीक। ई का पैरेलल कंपोनेंट देखो, ई का कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल कंपोनेंट कैसे बनेगा, जल्दी बोल दो, के लैम्डा बाई आर आगे भाई cos थीटा 2 यानी cos 0 गुड, माइनस cos थीटा 1 यानी cos 90, cos 0 माइनस cos 90 आगे आई है, cos 0 की वैल्यू 1 cos 90 की वैल्यू 0, तो ये सीधा सीधा k लैम्डा बाय r आगे कितना आई, k लैम्डा बाय r। सोचो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, 1 बराबर, ठीक समझ में। तो अगर आपको नेट स्पीड कभी निकालनी हो कि एग्जैक्ट 25 डिग्री के अंदर है, कोई समस्या नहीं, ठीक समझ में आया कि नहीं। चलो एक किस रूप से करना भाई, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है भाई, हमने सेंटर पे देख लिया, एंड के पास देख लिया, लोअर एंड में देख लिया, यहाँ कहीं देख लेते हैं, ठीक। चलो कैसे करेंगे, वायर को एक्सटेंड करो परपेंडिकुलर, एक एंड तो बहुत दूर होगा, यानी कि थीटा 1 यहाँ पे कितना 90 और थीटा 2 कितना थीटा, लेकिन किस साइन से लिखेंगे, माइनस साइन से, यानी कि थीटा 2 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, माइनस थीटा, क्या लिखी जाएगी, माइनस थीटा। बाकी आगे क्या करना है आप जानते हैं भाई, दोनों एंगल सेम सेंस से बन रहा है, ठीक है। चौथा केस कर लेते हैं फिर से, ठीक छाप ले सब, ये हो गया हमारे लॉन्ग इनफाइनाइट वायर सारे केसेस, जो अगले क्लास होगी हमारी इसी के एप्लीकेशंस देख लेंगे, सवाल देख लेंगे, ठीक है समझ में। अभी के लिए बस यहाँ तक, ठीक।